नमस्कार मैं सूर्यभूषण दुबे रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ हम लोग इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग टेस्टिंग ख़त्म कर चुके थे टेस्टिंग के बाद हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे हाई टार केज ऑफ इंडक्शन मोटर ये हाई टार केज ऑफ इंडक्शन मोटर जो इंडक्शन मोटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं आपको ही पता है जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके थे एक होता है केज uh, रोटर होता है दूसरा होता है स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर एक होता है केज रोटर इंडक्शन मोटर और दूसरा होता है स्लिप टाइप इंडक्शन मोटर स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर अब जो केज रोटर होता है इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो क्या होता है बहुत इस हाई सॉरी बहुत लो होता है तो चूंकि उसका स्टार्टिंग टार्क लो होता है तो यहाँ पर ये करना है कि केज रोटर का केज रोटर का या केज टाइप इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क कैसे बढ़ाया जाए मतलब उसमें क्या मॉडिफाई किया जाए या क्या परिवर्तन किया जाए कि जिससे उसका स्टार्टिंग टार्क हाई हो जाएगा तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे हाई टार्क केज इंडक्शन मोटर तो जो टॉपिक है हाई टार्क केज इंडक्शन मोटर तो हाई इसके स्टार्टिंग टार्क कैसे बढ़ाते हैं समझते हैं जैसा कि आपको पता है कि स्टार्टिंग टार्क का स्टार्टिंग uh, टार्क बढ़ाने के लिए रोटर में क्या करते हैं रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं जैसा कि स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में किया गया ये आपका स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर है यहाँ पर क्या है ये तीन स्लिप है और इससे क्या है आपके थ्री रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसे क्या कर देते थे ऐड कर देते थे ऐड करने की वजह से क्या हो जाता था इसका स्टार्टिंग टार्क बढ़ जाता था यह हमें पता है कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका स्टार्टिंग टार्ग उतना ही बढ़ जाता है लेकिन कैसे इंडक्शन मोटर कैसे काम करता है जब स्टार्टिंग के समय पर स्टार्टिंग के समय पर उसका जो रोटर का रेजिस्टेंस है रोटर का रेजिस्टेंस क्या होता है ज़्यादा होता है लेकिन जब रोटर रेज... का रेजिस्टेंस क्या होता है ज़्यादा होता है लेकिन जब वो रन करने लगता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाना चाहिए कम हो जाना चाहिए जब रनिंग कंडीशन पर रनिंग कंडीशन पर आटो की वैल्यू छोटी हो जानी चाहिए ठीक है कम हो जानी चाहिए तो ये क्या होता है इसका मेथड होता है तो यहाँ पर हमें क्या करना है स्टार्टिंग टार को बढ़ाना है किस किस टाइप के रोटर के केज रोटर का जो आपका ये आपका केज रोटर है ये आपका केज रोटर है इसका हमें क्या करना है स्टार्टिंग टार को बढ़ाना है तो इसमें हम कुछ मॉडिफाई करते हैं जिससे इसका स्टार्टिंग इस टार के बढ़ जाता है मॉडिफाई क्या करते हैं रोटर का रेजिस्टेंस स्टार्टिंग के समय में ज़्यादा होता है और जब रोटर रन करने लगता है तो इसका रजिस्टेंस कम हो जाता है अब देखिए यहाँ समझते हैं क्या लिखे है। यहाँ हमने वही लिखा है स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार कम होता है इसलिए इसका स्टार्टिंग इस टार को बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग के समय रजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ता है जैसा कि स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर में किया जाता है तो यहाँ पर तो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं वहाँ पर लेकिन आप केज रोटर में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस थोड़ी जोड़ सकते हैं उसमें ऐड तो आप कर नहीं सकते हैं तो करेंगे क्या क्या मॉडिफाई करेंगे क्या कंस्ट्रक्शन में मॉडिफिकेशन करेंगे वो यहाँ पर हम लोग समझते हैं अब हमने दूसरा वर्ड लिखा है रेजिस्टेंस उसमें बढ़ जाता है रोटर का तो ये इसके अनुसार इंडक्शन मोटर मतलब हाई टार्क इंडक्शन मोटर हाई टार्क केज इंडक्शन मोटर दो प्रकार के होते हैं एक डीप बार केज इंडक्शन मोटर और दूसरा डबल केज इंडक्शन मोटर ये जो क्या मेरे ए के टू के सिलेबस में है के डबल ई पाँच सौ तीन इलेक्ट्रिकल मशीन टू में ये सिलेबस में है ये सिलेबस में नहीं है लेकिन हमें इसे भी पढ़ेंगे क्योंकि हमें कंपटीशन के लिए हम लोग स्टडी करते हैं अब पहले बात करते हैं डीप बार केज इंडक्शन मोटर डीप बार केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है जैसा कि आप देख रहे हैं ये आप क्या है ये आपका स्टेटर है और ये आपका क्या है रोटर है रोटर में यहाँ पर जो उस, ए, रोटर में जो यहाँ पर आपके स्लाट कटे हुए हैं वो स्लाट क्या है बहुत बड़े बड़े होते हैं ज़्यादा डीप होते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं डीप बार होते कहते हैं होता क्या है इसमें हम क्या है? अलग अलग एक ही स्लाट में एक स्लाट सॉरी एक स्लाट में हम दो या तीन से ज़्यादा इसमें क्या है? बार लगा देते हैं जैसे इसमें हमने थ्री बार लगा दिए तो थ्री बार जैसे यहाँ हमने दिखा दिया ये आपका क्या ये आपका स्लाट है ये स्लाट के अंदर ये हमने

शार्ट सर्किटेड हो शार्ट सर्किटेड होते हैं इसलिए यहाँ पर हमने दिखे क्या दिखा है ये स्लिप रिंग है और यहाँ पर तीन जो तीन आपने बाल लगा रखे हैं मतलब कापर के बार बार लगा रखे हैं वो क्या है आपके ये तीनों हमने दिखाया उसका रेजिस्टेंस ये है और चूंकि तीनों का रेजिस्टेंस क्या होगा सेम होगा लेकिन लीकेज रिएक्टेंस क्या होगा अलग अलग होगा क्यों अलग अलग होगा उसको अभी हम समझते हैं पहले जितना हमने लिखा है इसको पढ़ लेते हैं इस मोटर में रोटर के स्लॉट को डीप बार बनाया जाता है जिससे रोटर में एक से ज्यादा बार लगाया जा सके जैसे हमने इसमें कितने लगाए हैं तीन लगाए हैं जैसे आप हमने थ्री लगाए हैं लगाया जा सके जैसा कि फिगर से स्पष्ट है अब देखिए भाई क्या करते हैं अब क्या करेंगे आपने इसमें क्या किए इसमें तीन आपने बार लगा दिए अब होगा क्या यहां पर हमने दी और ये आपका ये आपका क्या है रोटर है यहाँ पर रोटर है और यहां पर क्या है आपका स्टेटर है अब क्या स्टेटर से जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा जितना भी डिस्टेंस मतलब एयर गैप जितना बढ़ता जाएगा उतना ही जाएगा लीकेज भी क्या होगा उतना ही बढ़ता जाएगा तो इसमें लीकेज क्या होगा कम होगा इसमें लीकेज ज़्यादा होगा इसमें लीकेज और ज़्यादा होगा तो वही हमने लिखा है कि इसमें जो इसको हमने बोला है इसका लीकेज एल जी वन बोला इसको एल जी टू बोला और इसको एल जी थ्री बोला तो आप देख रहे हैं कि लीकेज क्या है जैसे जैसे डीप जाते जाएंगे लीकेज क्या होता जाएगा कम होता जाएगा और जब लीकेज ज्यादा होता जाएगा तो फ्लक्स लीकेज भी क्या होता जाएगा उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। फ्लक्स फ्लक्स लीकेज लीकेज जाएगा बढ़ेगा तो क्या होगा लीकेज रिएक्टेंस बढ़ेगा तो ये लीकेज रिएक्टेंस बढ़ेगा ठीक है अब देखिए क्या है वही हमने लिखा है जैसे जैसे बार को डीप में बढ़ते जाते हैं उसका लीकेज फ्लक्स और लीकेज रिएक्टेंस भी बढ़ता जाता है मतलब क्या है अब आप हुआ क्या इसका मतलब लिक्ज रिएक्टेंस क्या है इसका सबसे ज्यादा मतलब अगर हम लिक्वेज रिएक्टेंस की बात करें इसका सबसे ज्यादा है इसका उससे कम है और इसका और छोटा सा है ठीक है तो इसका मतलब क्या है? इसका लीकेज क्या है उल्टा हमने बोल दिया सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए इसका होना चाहिए हमने गलत बोल दिया क्योंकि यहां पर ज्यादा फ्लक्स है क्योंकि ज्यादा बार है तो यह सबसे बड़ा होगा यह उससे छोटा होगा और यह और छोटा होगा ठीक है इसका मतलब जो करेंट करेंट बहने की बात करते हैं और रेजिस्टेंस क्या है तीनों का तीनों का रेजिस्टेंस सेम हो है, तो इससे क्या होगा इससे यह होगा तीनों का रेजिस्टेंस तो सेम है तीनों का रेजिस्टेंस सेम है लेकिन तीनों का इसका एक्सल क्या है बड़ा है लीकेज इसका एक्सल उससे छोटा है और इसका एक्सल उससे भी छोटा है तो आप खुद बताइए कि जब आप स्टार्टिंग के समय कौन सी करंट किसमें करंट बहेगी सोच के बताइए कि किसमें ज्यादा करंट बहेगी अब देखिए उससे थोड़ा सा स्टार्टिंग के लिए हम बात करते हैं स्टार्टिंग के समय एस की वैल्यू क्या होगी वन होगी उस समय एस की वैल्यू वन होने का अर्थ क्या है कि ये आपका रोटर का हमने सर्किट बना रखा है रोटर में ये आर टू होता था और यहां क्या होता था आर टू वन माइनस एस बाई एस क्योंकि एस की वैल्यू वन है तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसलिए इसको हमने क्या कर दिया शॉर्ट सर्किटेड कर दिया है ये तो आपको इक्वेलेंट सर्किट पता ही है ये रोटर का तो यहां से अगर हम देखें तो आई स्टार्टिंग करेंट है टू जो आपने सप्लाई वोल्टेज लगा रखा बी वन ये चूंकि रिफर्ड वैल्यू है तो आप ऐसे कर भी सकते हैं अदरवाइज़ आप मत कीजिए कोई वो नहीं है ये रिफर्ड वैल्यू होती है तो यहाँ करेंगे तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा लेकिन ये कोई आवश्यकता नहीं है हम रोटर का रेजिस्टेंस ऐसे मान ऐसे लिख लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा आर टू का स्क्वायर एक्स टू का स्क्वायर ये स्टार्टिंग करंट अब चूंकि क्या होता है स्टार्टिंग के समय आर टू की वैल्यू क्या होती है छोटी होती, होती है और एक्स टू की वैल्यू बड़ी होती है ठीक है ये स्क्वायर हटा दीजिए कोई वो नहीं है तो बड़ी होने का स्क्वायर होगा तो और बड़ी हो जाएगी सिंपल है रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं तो यहां से आई स्टार्टिंग टू क्या हो जाएगा ये पूरा क्या हो गया मर गया तो क्या बचेगा एस टू स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये एस टू आ जाएगा इसका अर्थ क्या हुआ करेंट किस पर डिपेंड कर रहा है करेंट जिसका लीकेज रिएक्टेंस जितना ज्यादा होगा जिसका लीकेज रिएक्टेंस जितना ज्यादा होगा उसमें करेंट उतना कम फ्लो होगा उसमें उतना करंट कम फ्लो होगा इसका मतलब क्या है इसमें क्या है इसमें, इसमें, इसमें करंट कम फ्लो होगा तो किसका बड़ा है इसमें करंट कम होगा मतलब इसमें करंट क्या है कम है इसमें करंट क्या होगा और बड़ा होगा और इसमें करंट क्या होगा और बड़ा हो जाएगा तो सबसे ज्यादा करेंट किसमें बहेगा इसमें बहेगा तो इसका मतलब क्या है जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हैं करंट की क्या हो रही है डेंसिटी या करंट का स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है कम होती जा रही है तो सबसे ज्यादा करंट कहां फ्लो हो रही है तो सबसे ज्यादा करंट टॉप, टॉप रोटर पर मतलब टॉप रोटर के कंडक्टर पर फ्लो हो रही है तो टॉप रोटर के कंडक्टर पर फ्लो होने का अर्थ है आगे आग आपको ध्यान रखिए स्किन इफेक्ट क्या होता है स्किन इफेक्ट में किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है कहां फ्लो होता है ऊपर की तरफ फ्लो होता है और कोर के अंदर नहीं फ्लो होता है तो यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखिए जो करंट फ्लो हो रहा है वो कहाँ फ्लो हो रहा है मतलब उसके टाप पर फ्लो हो रहा है और जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं उसमें करंट की डेंसिटी क्या होती जा रही है या करंट क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि तो ये किस तरह से बिहेव कर रहा है ये स्किन इफेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है अगर हम बोलें कि अब अगर तीनों का रेजिस्टेंस क्या था सेम था लेकिन अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा वो बढ़ जाएगा क्यों बढ़ जाएगा क्योंकि अगर बात करें ये तीनों एरिया, एरिया लेकिन है? क्यों आउटर पर है तो इफेक्टिव एरिया इसलिए तो तो कम हो गई क्योंकि, क्योंकि करंट पूरे में नहीं फ्लो इक्की मतलब बराबर में करंट नहीं फ्लो हो रही है फ्लो हो रही है मात्र आउटर साइड में फ्लो हो रही है सरफेस पर फ्लो हो रही है तो सरफेस पर फ्लो होने का अर्थ क्या है उसका जो पूरा एरिया है वो पूरे एरिया में ना फ्लो करके सरफेस फ्लो रही है तो वो पूरे एरिया को क्या कर रहा है कंसीडर नहीं कर रहा है, है जो आपका इफेक्टिव एरिया है वो क्या हो गया कम हो गया इफेक्टिव एरिया कम होने का अर्थ अच्छा क्या हो गया कि रजिस्टेंस रजिस्टेंस आपका बढ़ गया क्योंकि जो एरिया होता है जो रेजिस्टेंस होता है आर टू रो एल बाई ए मतलब अगर एरिया क्या हो जाएगा कम हो जाएगा एरिया कम हो जाएगा इफेक्टिव एरिया कम हो जाएगा या क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा यहां पर हमने क्या पाया यह स्किन इफेक्ट की तरह बिहेव करती है करेंट के नॉन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इफेक्टिव एरिया क्या हो जाएगी कम हो जाएगी जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से स्टार्टिंग टार्क भी क्या हो जाएगा ये भी बढ़ जाएगा स्टार्टिंग टार्क है? हम यही चाह रहे थे कि रोटर का इनिशियल की कंडीशन में स्टार्टिंग के समय उसका रेजिस्टेंस क्या हो ज्यादा हो लेकिन जब मोटर रन करने लगे तो उसका उसका रेजिस्टेंस कम हो जाए तो अब तो हमने स्टार्टिंग के समय देखा अब मेरा दूसरा जो ऑप्शन होगा सोच या थिंकिंग किस पर सोचेंगे कि अब जब रोटर क्या करने लगे रन करने लगे तो जब रोटर रन करने लगेगा तब क्या है यहां पर रेजिस्टेंस कम हो जाना चाहिए अब देखिए कैसे समझते हैं यहाँ से देखिए रनिंग के समय एस की वैल्यू क्या होगी लो होगी तो रनिंग समय एस की वैल्यू जब लो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ से देखिए आर टू बाई एस तो ये क्या हो? कम हो गई तो ये आर टू बाई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी रेजिस्टेंस बढ़ तो की वैल्यू नहीं बढ़ेगी आर टू बाई एस की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आर टू बाई एस की वैल्यू बढ़ने का अर्थ क्या हुआ कि ये क्या होगा ये बड़ा हो गया अब स्टार्टिंग जो रनिंग का करंट होगा ये होगा क्योंकि इसका सर्किट ये बन गया क्या लिखेंगे स्क्वायर अंडर रूट आर टू बाई एस का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर लिखेंगे ठीक है हुआ क्या अब ये वैल्यू क्या हो गई बहुत बड़ी हो गई ये वैल्यू बहुत बड़ी हो गई तो किसको कंसिडर करेंगे इस इस कंडीशन में हम एस टू को क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे जब एस टू को इग्नोर कर देंगे तो रनिंग करंट रनिंग करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी वी वन और ये क्या इसको आपने इग्नोर कर दिया तो क्या बचा आर टू बाई एस बचा इसका वो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एस वी वन और आर टू इसका जो करेंट है वो करेंट किस पर डिपेंड कर रही है रजिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है मतलब क्या हुआ अब ये लीकेज पर नहीं डिपेंड कर रही है रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है आपने देखा होगा कि इसमें क्या होता है इसमें यहाँ पर स्टार्टिंग के समय में वो लीकेज पर डिपेंड कर रही थी और रनिंग के समय पर रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है तीनों का रेजिस्टेंस क्या है इक्वल है और जब तीनों का रेजिस्टेंस इक्वल है तो क्या होगा जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी यूनिफॉर्मली फ्लो मतलब बहेगी मतलब जो करंट आपका होगा फ्लो होगा यूनिफॉर्मली फ्लो होगा यूनिफॉर्मली फ्लो होने का अर्थ है वो पूरे एरिया को क्या करेगा इस पूरे एरिया को कवर करेगा उसमें क्या था आउटर में सरफेस पर फ्लो हो रहा था जिसके वजह से इफेक्टिव एरिया कम हो रही थी और यहाँ पर क्या है पूरे करें पूरे कंडक्टर में फ्लो होगी जिससे इफेक्टिव एरिया क्या आ जाएगी बढ़ जाएगी इफेक्टिव एरिया बढ़ जाने का अर्थ क्या हुआ कि उसका रजिस्टेंस कम हो गया चूंकि चूंकि हम यही चाहते थे कि रनिंग कंडीशन में उसका रजिस्टेंस कम हो जाए ये हमने लिखा चूंकि सभी बार का रजिस्टेंस बराबर होता है अतः करेंट यूनिफॉर्मली फ्लो होता है अतः इफेक्टिव एरिया बढ़ जाती है और रजिस्टेंस कम हो जाता है जो कि ये मेरा मेन मकसद था कि हमें रेजिस्टेंस स्टार्टिंग के समय पर ज्यादा रखना है और रनिंग के समय पर कम रखना है क्योंकि रनिंग के समय पर रेजिस्टेंस ज्यादा रखेंगे तो उसमें लॉसेज होगा लॉसेज होगा तो इफिशेंसी उसकी कम हो जाएगी अब बात करते हैं डबल केज इंडक्शन मोटर जो कि आपके सिलेबस में है डबल केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है इसका भी क्या होता है इसमें दो रोटर दो कापर मतलब आपके दो, दो केज रोटर होते हैं जैसे ही आपने केज रोटर एक केज रोटर ये हो गया और एक केज रोटर आपका इसके ऊपर बड़ा सा हमने बना दिया ठीक है एक आउटर हो गया और एक इनर हो गया तो जो ये आउटर वाला हम दिखा रहे ये आपका आउटर केज रोटर हो गया और ये आपका क्या हो गया इनर केज रोटर हो गया इसमें क्या होता है इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग ऐसा बनाते हैं कि इसका एरिया क्या है बड़ा है इसका एरिया बड़ा है और इसका एरिया छोटा है इसका एरिया छोटे होने का अर्थ क्या है इसका रजिस्टेंस बड़ा होता है और इसका रजिस्टेंस छोटा होता है ठीक है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये एरिया छोटी होगी अतः इसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा और इसका एरिया बड़ा होगा इसका रेजिस्टेंस छोटा होगा ये कंस्ट्रक्शन हम लोग ऐसा करते हैं अब देखिए होता क्या है लीकेज की बात करते हैं तो लीकेज क्या होगा अभी आपने देखा था जैसे जैसे आप रोटर से दूर जाएंगे या स्टेटर से दूर जाएंगे वहाँ लीकेज क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर देखिए लीकेज यहां पर बड़ा होगा और यहाँ पर लीकेज छोटा होगा ठीक है तो यहां पर इस फिगर को हमने यहां दिखाया है तो ये क्या आपका स्टेटर है और ये आपका क्या है रोटर है ये रोटर आपके इस तरह से बनाया गया इस रोटर को हमने ज़ूम करके यहाँ बना दिए है तो ज़ूम करने से क्या होगा ये बड़ा आ गया इस तरह का इसको हमने यहां पर दिखा है अब वही चीज हमने यहाँ लिखा है इसके रोटर में विशेष प्रकार के दो केज को पैलर कनेक्ट कर दिया किए जाते हैं और दोनों केज को सेम इंडरिंग से शॉर्ट सर्किटेट कर देते हैं सेम से ये एक ही मतलब हो क्या होगा ये एक तरह से टाइप का होगा एक अंदर स्लिप छोटा स्लिप रिंग एक अंदर स्लिप रिंग होगा सॉरी एक अंदर केज रोटर होगा दूसरा बाहर केज रोटर होगा ठीक है अब देखिए क्या है अब हम लोग बात करते हैं इनर केज इनर केज का स्टेटर से डिस्टेंस क्या होता है ज़्यादा होगा क्योंकि इसका इस, अगर आप इसको देखिए तो ये आपका क्या है ये आपका स्टेटर है स्टेटर से क्या है इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा अतः लीकेज क्या होगा लीकेज फ्लक्स आपका ज़्यादा होगा लीकेज ज़्यादा होगा इसलिए लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होगा इसलिए लीकेज रिएक्टेंस ज़्यादा होगा किसके कंपेयर में ये इनर का है और ये आउटर का मतलब आउटर का क्या होगा हमेशा लीकेज भी ज़्यादा होगा फ्लक्स लीकेज भी ज़्यादा होगा और लीकेज रिएक्टेंस भी ज्यादा होगा ठीक है ये तो हम लोग पीछे भी पढ़ भी चुके हैं अब देखिए क्या है अब इस, फिर इसमें भी वही दो कंडीशन लेंगे एक बार स्टार्टिंग के समय लेंगे और एक बार रनिंग के समय लेंगे तो स्टार्टिंग के, तो के समय पर एस की वैल्यू क्या होती है वन होती है तो एस की वैल्यू वन होने का अर्थ क्या है कि यहां पर ये क्या होगा जो आपका बता चुके था आर टू इज टू वन माइनस एस बाई एस ये क्या होगी जीरो होगी क्योंकि एस की वैल्यू वन है इसलिए इसको हम लोग शार्ट सर्किटेट कर देते हैं अब देखिए यहाँ से आपने भीमन अप्लाई किया तो आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर हो जाएगा अब चूंकि स्टार्टिंग के समय पर रोटर का रेजिस्टेंस क्या होता है कम होता है लीकेज के कंपेयर में वो भी तीन से चार गुना अंतर होता है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम एक्स टू को क्या करेंगे आ टू को इग्नोर कर देंगे और एस टू को ले लेंगे तो यहां पर भी क्या स्टार्टिंग करंट करंट किस पर डिपेंड कर रहा है लीकेज रिएक्टेंस पर डिपेंड कर रहा है मतलब जहां पर लीकेज ज्यादा होगा जहां पर लीकेज ज्यादा होगा वहां पर करंट क्या होगा, होगा कम फ्लो होगा तो लीकेज यहां पर क्या है ज्यादा है और यहां पर लीकेज क्या है कम है तो यहां पर करंट क्या होगा यहां पर करंट आई जो होगा वो छोटा होगा कम होगा और यहां पर करंट क्या होगा बड़ा होगा हो हो तो होगा इसका इसका अर्थ तो ये हुआ तो यही हम लिखे इसमें इससे इक्वेशन से क्लियर है कि स्टार्टिंग करेंट एस टू के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है अर्थात टॉप पर करेंट ज्यादा फ्लो होगी और बॉटम में करेंट कम फ्लो होगी जैसे हम दिखा ये कम करेंट है और ये ज्यादा करेंट है और चूंकि इसका एरिया क्या है इसका एरिया कम है और इसका एरिया ज्यादा है ठीक है तो इसलिए इसमें क्या होगा इसका रेजिस्टेंस क्या होगा इसका रेजिस्टेंस बड़ा है और इसका रेजिस्टेंस छोटा है तो करंट किससे फ्लो हो रही थी हाई वाले रेजिस्टेंस से और हम चाहते भी क्या थे कि करंट हमेशा हाई रेजिस्टेंस से फ्लो हो गा. इससे भी फ्लो होगा लेकिन इससे करंट कम फ्लो होगा तो इससे भी टार्क पैदा होगा और इससे भी टार्क पैदा होगा तो दो टार्क इसमें डेवलप होते हैं एक इस केस की इस ए, इनर केस की वजह से भी पैदा होगा और आउटर केस की वजह से भी स्टार्टिंग टार्क पैदा होगा लेकिन ये टार्क क्या होगा ज्यादा होगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है ज्यादा क्योंकि मेन जो जो मेन करंट फ्लो हो रही है ज्यादा ज्यादा से ज्यादा करंट किससे फ्लो हो रही है इससे करंट फ्लो हो रही है क्लियर है तो इसलिए ये क्या होगा ये ज्यादा आपका पावरफुल होगा और ये, का, ये क्या होगा कम पावरफुल होगा क्योंकि करंट कम फ्लो हो रही है क्लियर है तो इस अगर हम बात करें दोनों को कंपेयर करें कि सबसे ज्यादा करंट किससे फ्लो हो रही है कौन स्टार्ट कर रहा है तो ये आपका आउटर केज वाला सॉरी आउटर या टॉप जो टॉप बाइंडिंग है उसकी वजह से क्या कर रहा है मोटर स्टार्ट हो रहा है जिसका रेजिस्टेंस क्या है हाई है अतः टार्क क्या हो जाएगी हाई हो जाएगी यही हमने लिखा है क्योंकि रोटर के डिजाइन में आउटर केज का एरिया कम रखते हैं अतः रजिस्टेंस ज्यादा होगा इस प्रकार मोटर हाई रेजिस्टेंस पर स्टार्ट होता है जिससे मोटर का स्टार्टिंग टार्क बढ़ जाता है क्योंकि ये क्या है आटू क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा क्यों इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये आउटर केस की वजह से करंट फ्लो रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा इसका स्टार्टिंग टार्क बढ़ गया क्योंकि स्टार्टिंग के समय रोटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है अब हम लोग बात करते हैं रनिंग कंडीशन की बात करते हैं रनिंग के समय क्या होगा एस की वैल्यू क्या होगी लो होगी लो होने का अर्थ क्या हो जाएगा वो ये तो इक्वेशन आपको समझा चुके थे फेजर डायग्राम डाइग्राम सर्किट तो हम लोग क्या करेंगे R2 को लेंगे और एस को क्या करेंगे इग्नोर कर देंगे और यहां से क्या हो जाएगा I रनिंग का फार्मूला भी कुछ देर पहले था एस भी और R2 आया था इसका मतलब क्या है जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें करंट क्या होगा उतना कम फ्लो होगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या था इसका रेजिस्टेंस बड़ा था इसका रेजिस्टेंस छोटा था तो ज्यादा से ज्यादा करेंट किसमें फ्लो होगी तो ज्यादा से ज्यादा करेंट इसमें फ्लो होगी मतलब इसमें करंट क्या होगी कम फ्लो होगी इसमें करंट क्या होगी ज्यादा तो अब क्या है अब रनिंग के समय में कौन सा रेजिस्टेंस फॉलो कर रहा है ये वाला छोटा वाला रेजिस्टेंस फॉलो कर रहा है तो रनिंग के समय में रेजिस्टेंस क्या हो गया कम हो गया अतः हम यही चाहते थे कि रनिंग के समय पर रेजिस्टेंस कम हो जाए जिससे क्या हो जाएगा उसका लासेज उसकी लासेज कम हो जाएंगे और इफ़िशेंसी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी चूँकि यह, यही हमने लिखा है चूँकि दोनों केज का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है अतः करेंट स्मॉल रेजिस्टेंस से फ्लो होता है इसलिए करेंट बॉटम केज से फ्लो होती है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस स्मॉल होता है ठीक है तो जो, जो मेरा पर्पज था वो यहां पर कंप्लीट हुआ अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इस प्रकार हमने क्या पाया इस प्रकार मोटर लो रेजिस्टेंस पर रन करने लगता है क्यों रन करने लगेगा क्योंकि आउटर का रेजिस्टेंस ज्यादा है और इनर का रेजिस्टेंस कम है तो हमने ये पाया देखिए कंक्लूजन क्या निकला जो आउटर केज का रेजिस्टेंस एरिया क्या होता है छोटा होता है ये आउटर लिख दिया और ये इनर लिख दिया इसका आउटर केस का एरिया क्या होता है छोटा होता है और इसका आउटर केस का एरिया बड़ा होता है इसका रेजिस्टेंस क्या होता है बड़ा होता है इसका रेजिस्टेंस छोटा होता है ठीक है इसका लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है इसका लीकेज रिएक्टेंस छोटा होता है और इसका लीकेज रिएक्टेंस बड़ा होता है ठीक है और स्टार्टिंग के समय कहा स्टार्टिंग के समय में इसमें करंट फ्लो होता है आउटर केज में और रनिंग के समय में इसमें करंट फ्लो होता है ठीक है तो यहां से आप आपने पाए ये कंडीशन आया और यहां हमने देखिए आयापट टाइर कर्टिस्टिक बनाया है तो स्लीप काटिस्टिक क्या है एक तो हमने आउटर केज का बनाया एक इनर इनर केज का कर्टिस्टिक वैसा ही है जैसा कि हम लोगों ने स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए पढ़ा था देखिए वो यहां से ऐसे गया और क्या था जो आउटर केज का था आउटर केज का ये आ गया और क्या करेंगे इन दोनों का अगर आप सम कर देंगे इसका और इसका सम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा डबल केज का मिल जाएगा मतलब जो आपका रोटर क्या है रोटर पर दो तरह के टार्क लग रहे हैं रोटर के साफ्ट पर दो तरह के टार्क लग रहे हैं एक इनर केज की वजह से और आउटर केज की वजह से अतः रोटर पर क्या हो जाएगा जो टार्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एड हो जाएगा क्योंकि दोनों की दिशा क्या है सेम है तो तो साफ्ट जो टार्क लगेगा स्टार्टिंग समय पर वो एक्चुअली फाइनली ये लगेगा जो कि क्या है बहुत ज्यादा है मतलब जो केज रोटर की कंपेयर में इस तरह से हम क्या कर सकते हैं डीप बार से या डबल केस से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टार्टिंग रेजिस्टेंस को ऑटोमेटिक वो बढ़ जाता है और उसका स्टार्टिंग टार्क बढ़ जाता है और रनिंग के समय पर दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है घट जाता है जिससे उसमें लासेस कम होता है और अच्छी रहती है आप सोचते होंगे सर स्टार्टिंग के समय पर रेजिस्टेंस तो ज्यादा है उसकी इफिशियंसी कम होगी हाँ उस समय इफिशियसी कम होगी लेकिन स्टार्टिंग क्या होता है ट्रांजिएंट कंडीशन होता है वो थोड़े सेकेंड के लिए होता है तो क्या होगा थोड़ा सा लासेज भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो अगर एक घंटा मोटर आपने चलाया तो दस सेकेंड के लिए स्टार्टिंग टार्क दस सेकेंड के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उस लासेज को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं ठीक है अब देखिए क्या है इस पर कुछ क्वेश्चन आते इसका एक गेट पर एक एग्जाम में आता है कि भाई इसका इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में पूछ लेता है तो इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग कैसे बनाएंगे ये तो क्या है आपका स्टेटर का रेजिस्टेंस और स्टेटर का डबल बार का रिएक्टेंस है और ये क्या एक्सएम है और आर सी को पता ही क्या करते हैं इग्नोर कर देते हैं और जो रोटर का रेजिस्टेंस है एक क्या है एक्स एक वन है और ये क्या है आइए आपको हम मान ली ये आपका आउटर हो गया और ये आपका इनर हो गया ऐसा मान लेते हैं तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर ये दोनों क्या होते हैं पैरेलल होते हैं तो एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि दोनों जो केज रोटर होते हैं क्या होते हैं आपस में पैरेलल होते हैं कि कैसे होते हैं दोनों आपस में पैरेलल होते हैं तो यहां से आपने देखा तो आउटर का जो होता है एक्समन ये क्या है इनर से क्या होता है बड़ा होता है लीकेज नहीं लीकेज क्या है इनर का बड़ा होता है और आउटर का रेजिस्टेंस बड़ा होता है ठीक है आउटर का रेजिस्टेंस बड़ा होता है क्योंकि उसका एरिया छोटी होती है तो ये आपको ध्यान रखना होगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं अब देखिए कुछ कंपटीशन में एग्जाम में आते हैं तो उसको हम लोग एक तीन चार क्वेश्चन जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं इन द इक्ट सर्किट ऑफ डबल केज इंडक्शन मोटर द टू रोटर केज कैन बी कंसीडर तो जो रोटर के दो डबल केज थे वो आपस में कैसे कनेक्टेड हुए हैं में कनेक्टेड हुए हैं टू बी इन द पैरेलल विद द स्टेटर तो ये क्या नहीं टू बी इन पैलल ये स्टेटर के पैलल नहीं होते हैं ये क्या होता है दोनों आपस में पैलल होते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा क्योंकि दोनों रोटर क्या होते हैं दोनों के रोटर आपस में दोनों केज दोनों केज रोटर आपस में पैलल में कनेक्ट होते हैं दूसरा क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ द डबल केज स्क्वेयर केज इंडक्शन मोटर ओवर द सिंगल केज इंडक्शन मोटर इज ए दैट तो क्या होता है डबल केज इंडक्शन मोटर का जो टार क्या होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो इसका स्टार्टिंग करंट क्या हो जाएगी स्टार्टिंग करंट कम हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ डबल इंडक्शन मोटर द स्टार्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अपर केज इज अपर केज का रेजिस्टेंस क्या होता है अपर केज का रेजिस्टेंस हाई होता है क्योंकि उसका एरिया छोटा होता है तो अपर केज का रेजिस्टेंस इज हाई लेकिन पूछ रहा है कितना हाई होता है किसके स्क्वेयरल केस के कंपेयर में तो वो चार से पांच गुना होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ठीक है एक क्वेश्चन और की बात करते हैं द डीप बार रोटर आर डबल केज रोटर आर द इम्प्लाई टू द डीप बार रोटर या डबल केज मतलब दोनों में से कोई आर इंप्लाई वो क्या करता है वो क्या करता है इंक्रीज द स्टार्टिंग टर्क हाँ स्टार्टिंग टार क्या करता है बढ़ा देता है बिल्कुल सही है फिशेंसी वगैरह नहीं करता है इनकी यह सब कुछ नहीं करता है तो क्या होता तो है डीप इसीलिए तो इसको यूज किया जाता है इसका स्टार्टिंग टार्क या हाई स्टार्टिंग टार्क केज रोटर दो प्रकार के होते हैं एक डीप बार होता है या दूसरा होता है डबल केज तो इन दोनों क्या करते हैं आपका स्टार्टिंग टार्क को क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं ठीक है अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ डबल केज इंडक्शन मोटर द करेंट इंड्यूज इन द रोटर ये पूछ रहा है कि एक डबल केज इंडक्शन मोटर है एक विषय आप बता भी देते हैं ये अभी हम लोग डबल केज इंडक्शन मोटर बनाए थे तो कैसा बना था ऐसे किए थे ऐसे किए ये क्या डबल केज इंडक्शन मोटर है ये क्या है ये आपका आउटर है और ये क्या आपका इनर है इसमें एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ रहा है ड्यूरिंग स्टार्टिंग के समय डबल केज के स्टार्टिंग के समय द करेंट इंड्यूज इन द रोटर किस रोटर में इंड्यूज होता करेंट करेंट इसमें इंड्यूज होगा किस में इंड्यूज होगा बताइए तो किस में इंड्यूज होगा क्योंकि लीकेज का स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग के समय करंट किस पर डिपेंड करती है स्टार्टिंग के समय वन बाई एक्स पर डिपेंड करती है तो लीकेज किसका ज़्यादा होता है लीकेज इसका ज़्यादा होता है और इसका लीकेज क्या होता है कम होता है तो करंट किस में बहेगा तो इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका ये क्या लीकेज ज़्यादा है तो इसमें करंट क्या होगा कम फ्लो होगा और इसमें करंट क्या होगा ज़्यादा फ्लो होगा तो वही हम एग्जाम में पूछ रहे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टार्टिंग के समय में करंट किससे फ्लो होता है तो स्टार्टिंग के समय में आउटर केज से फ्लो होगा तो क्या है फ्लो मोस्टली थ्रू द लोअर केज गलत है फ्लो मोस्टली थ्रू द अपर केज तो ये आंसर आपका अपर केज क्या होगा आंसर आपका सही होगा तो इस तरह के हमने पांच क्वेश्चन दिखाए ये बहुत इजी जिस पर क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल आते नहीं है थ्योरेटिकल आते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं तो आज के लिए इतना रखते हैं धन्यवाद नमस्कार